सिर्फ मैं छह स्ट्रक्चर बताऊंगा, दुनिया का कोई भी समय आप इंग्लिश में बता सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाता है, आपको लगाना है इट, फिर इज, स्पेस देकर बोलना है ओ क्लॉक, राइट। यहाँ पर एक से लेकर 12 तक गिनतियाँ लिख देनी है, हो गया टाइम। जैसे अगर आपको कहना है 2 बजे हैं तो आपको कहना पड़ेगा इट इज 2 o'clock, समथिंग लाइक दिस। अगर कहना है 3 बजे हैं तो इट इज 3 o'clock, 4 बजे हैं इट इज 4 o'clock, 5 बजे हैं इट इज 5 o'clock, 6 बजे हैं इट इज 6 o'clock, ऐसे करके 1 से लेकर 12 तक जितने भी बजे हैं उसके लिए आप बोल सकते हो। नाउ वी विल आस्क टू मीट सर, यहाँ पर ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? ओ क्लॉक का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। ओ क्लॉक ये होता है, द फुल फॉर्म ऑफ द ओ क्लॉक इज ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी का इतना बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हमारे पास एक घड़ी आ जाती है, राइट, ये है गया 6, 9 and 3। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर यहाँ पर बज कितना रहा है, 2 बज रहे हैं, क्लियर। तो घड़ी में एक भी बज सकता है, 2 भी 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे बज सकते हैं, 4, 5, 7, 8, 10, 11 and 12 इतना तक बज सकता है। बज तो 2 भी सकता है, बज तो 4 भी सकता है, बज तो 5 भी सकता है, लेकिन यहाँ पर ओ क्लॉक का मतलब होता है कि बजे कितने हैं, 2 बजे हैं, यानी ऑफ द क्लॉक। तो क्या टू ऑफ द क्लॉक का मतलब होता है, यानी देखो 2 o'clock का मतलब होता है टू ऑफ द क्लॉक, मतलब घड़ी का 2 बजा है। तो कहने का मतलब ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव, सेकेंड स्ट्रक्चर। ये पहला हो गया जब नॉर्मल कुछ कहना हो कि भाई इतने बजे हैं, जैसे अगर आपको कुछ इस तरीके से कहना हो, जैसे 3:30 इसको हम बोलते हैं 3:30, 4:30 इसको बोलते हैं 4:30, 5:30 बोलते हैं 5:30। जब ऐसा बोलना हो तो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, आपको करना पड़ेगा इट इज एंड आफ्टर दैट हाफ पास्ट देन स्पेस एंड ओ क्लॉक, ये हो गया। यहाँ पर आपको बस गिनतियाँ लिखते जानी है 1 से लेकर 12 तक, तो वो हो गया उतना। जैसे अगर 3:30 बजा है तो आपको बस यहाँ 3 लिख देना है, ये 3 लिख देना है, इट इज़ हाफ पास्ट 3 o'clock, मतलब 3:30 बजे हैं। 4:30 बजे हैं तो इट इज़ हाफ पास्ट 4 o'clock, 5:30 बजे हैं इट इज़ हाफ पास्ट 5 o'clock। अगर आपको कहना है कि 6:30 बजे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी टॉक अबाउट। अब आप बोलेंगे सर हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल दैट, फॉर एग्जाम्पल क्या, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, कटिंग। अगर इसका हम हाफ करते हैं, मतलब हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो वो होता है 30, कटिंग ऑफ यू। तो ये 30 ही तो पास्ट हो जाता है, मतलब 30 मिनट ही तो बीत जाता है, या 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है, 30 मिनट ज़्यादा हो गया, इसी को इसलिए बोलते हैं हाफ पास्ट। मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, इट इज़ 30 मिनट पास्ट 3 o'clock, ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज़ 30 मिनट पास्ट 4 o'clock, इट इज़ 30 मिनट पास्ट 5 o'clock, लेकिन इसी 30 को मैं यहाँ पर हाफ बोल रहा हूँ, इसलिए इट्स हाफ पास्ट बोलते हैं। तो सड़े का कॉन्सेप्ट खत्म। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। जब कभी भी कुछ आपको इस तरीके से कहना हो, इट इज, इट इज को शॉर्ट में इट्स भी बोल सकते हैं। देखो जब कभी आपको कुछ इस तरीके से कहना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3:15 को बोलते हैं 3:15, 4:15 को बोलते हैं 4:15, 5:15 को बोलते हैं 5:15। जब 5:15 की बातें हैं तो क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इट्स क्वार्टर पास्ट स्पेस एंड ओ क्लॉक, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इट्स क्वार्टर पास्ट देन ओ क्लॉक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक वही सारी गिनतियाँ लिख देनी है जितना हुआ है। जैसे 3:15 बजे हैं तो बस 3 लिख दीजिए, तो इट्स क्वार्टर पास्ट 3 o'clock, 4:15 बजे हैं तो इट्स क्वार्टर पास्ट 4 o'clock, ऐसे करके 4 o'clock आप लिख देंगे। लेट मी टेल यू 1:15 का मतलब क्या, देखिए एक होता है शेर, एक होता है 1:15 शेर, 1:15 शेर थोड़ा ज़्यादा होता है, एक होता है भाई 1 पाव लड्डू, एक होता है कि 1.25 पाव लड्डू, 1 किलो लड्डू, 1.25 किलो लड्डू, तो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो 1:15 मतलब होता है कि 3:15 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस तरीके से सुनना है, दिस इज कॉल्ड 1:15। एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बोलना है 1:15 तो आप कैसे बोलेंगे, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एक्चुअली हमारे पास होता है, विच इज कॉल्ड फोर्थ स्ट्रक्चर। इसके लिए आप करेंगे इट इज, इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स, फिर हम लगाएंगे क्वार्टर, क्वार्टर के बाद लगाना है टू स्पेस एंड ओ क्लॉक,
यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड हियर नाउ, यहाँ पर मैंने लगाया है पास, लेकिन यहाँ पर मैंने लगाया है टू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी क्या हो जाए जैसे ऐसे 4:45, इसका मतलब होता है कि पौना, क्या होता है पौने पौने चार, यानी चार में 15 मिनट बाकी है ना, इसको बोलते हैं पौने चार। फॉर एग्जाम्पल 4:45, इसको बोलते हैं पौने पाँच। 5:45, इसको बोलते हैं पौने छः। तो ऐसे 45 वाले जो मैटर्स आते हैं, नज़दीक किसके हैं, इसमें 15 जोड़ दो 4 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ दीजिए इसमें तो 5 तो क्लोक क्लोक हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ दीजिए 6 बच जाएंगे। तो ये होता है पौने पौने करके। यहाँ पर होता है क्वार्टर टू। लेट्स टॉक अबाउट नाउ हियर। देखिए और पौने का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे एक ईंट होती है, एक ब्रिक्स ब्रिक होता है एक्चुअली, ऐसे इसको हम चार भागों में बांट देते हैं, क्या बोलते हैं चार भागों में बांट देते हैं। अगर ये 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाता था 60, मतलब 15 दूना 30, 45, 4, 60, 60 मिनट हो जाते हैं एक ईंट हो गए। अगर ये 15 एक हटा देते हैं ना, ये 15 हटा देते हैं, तो इस ईंट को हम लोग पौना बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको क्या बोलते हैं पौना बोलते हैं। तो वही तो यहाँ पर हुआ है, इसका जो 15 है हट गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पौना बोलते हैं। अगर इसका इतना हटा देते हैं ना, आधा हटा देते हैं, तो उसको हाफ बोलते हैं, जिसके हमारे यहाँ उस ईंट को अद्धा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अद्धा बोलते हैं। और क्वार्टर का मतलब नहीं समझ पा रहे, दिल्ली में ना समझ पाओ तो क्या फ़ायदा बताओ। ये होता है हमारे पास एक ग्लास, करिए ना इस तरीके से, अगर थोड़ा सा ही बनाते हैं पैक तो इसको बोलते हैं क्वार्टर, अगर इतना बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाफ, और बाकी आप आगे जानते हो क्या क्या होता है। तो ये होता है इट्स क्वार्टर टू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि पौने चार बजे हैं, तो बस चार लिख दो, इट्स क्वार्टर टू 4 o'clock। इस क्वार्टर का मतलब ये होता है 15 मिनट भाई बाकी है चार बजने में, इधर ये होता है क्वार्टर, ये इधर क्या लिख देना है 5 लिख देना है। क्वार्टर टू 5 o'clock का मतलब होता है पौने पाँच, पौने छः का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 लिख देना बस, इट इज़ क्वार्टर टू 6 o'clock। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। मैं सिर्फ आपको 6 स्ट्रक्चर बताऊंगा, दुनिया का कोई भी टाइम बताना चालू कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, पांचवा स्ट्रक्चर। आपको करना है इट इज, स्पेस लगाना है, पास्ट एंड देन ओ क्लॉक, समथिंग लाइक दिस, इट इज पास्ट ओ क्लॉक। अब बता दो क्या करें, जब कभी भी आपको कहना हो 6:20, मतलब कुछ बज कर ना कुछ मिनट हो जाए, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। जैसे 6:20 हुआ है, 7:10 हुआ है, 3:16 हुआ है, कुछ भी बजकर कुछ मिनट हो जाए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जो मिनट है ना, इस मिनट को आप यहां लिख देना, और मिनट को शॉर्ट में आप मिन्स बोल सकते हो, इट्स 20 मिन्स पास्ट, कितने बजकर बताइए 6, तो हो गया इट्स 20 मिन्स पास्ट 6 o'clock। इसका मतलब होता है 6:20 हुआ है, इसको कैसे बोलेंगे, 10 मिनट को यहां रख दीजिए, 10 मिन्स हो गया, और कितने बजकर 7:07 o'clock। आपको बताना क्या है, 3:16 हुए, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। पांचवा स्ट्रक्चर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव, सिक्स्थ स्ट्रक्चर। आपको करना है इट इज, फिर लगानी स्पेस, फिर लगानी है टू एंड आफ्टर द स्पेस देन ओ क्लॉक, समथिंग लाइक दिस, इट इज 2 o'clock, समथिंग लाइक दिस। अब देखना इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपको बोलना इस तरीके से, जैसे 4:55, 6:54 या 7:50, कुछ ऐसे करके भाई कुछ मिनट बाकी है। जैसे देखिए इसमें 5 बजने में कितने मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, इसमें 7 बजने में कितना बाकी है, 6 मिनट बाकी है, इसमें 8 बजने में कितना बाकी है, 10 मिनट बाकी है, मतलब कुछ मिनट बाकी हो कुछ बजने में, फॉर दैट वी फॉलो दिस स्ट्रक्चर। जितना मिनट बाकी होता है उसको इधर रखते हैं, जितने बजने में होता है इधर लिख देते हैं। जैसे 4:55 हो रहा है, इसका मतलब होता है 5:05 बाकी है, तो 5 मिनट बाकी है ना, तो बोलेंगे 5:02, मतलब यहाँ पर बाकी, और 5:05 में तो यहाँ 5 लिख देना, हो गया। नेक्स्ट 6:54 हो रहा है, इसका मतलब 6 मिनट बाकी है 7 बजने में, तो 6 मिनट बाकी है तो 6 मिनट्स लिख देना, और कितने बजने में 7, ऐसे लिख देना। 7:50 हो मतलब है यानी 10 मिनट बाकी है 8 बजने में, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ये हो गया हमारे 6 रूल्स। दुनिया का कोई भी समय आप इंग्लिश में बता सकते हैं टाइम के अनुसार, कि 1:15, 1:30 ऐसे करके, इतने बजे में इतना बाकी, इतने बजकर इतना हो गया। यू कैन स्पीक वेरी इजली इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने देखा होगा कि 7 PM, 8 AM, 6 AM ऐसे करके होता है, 4 AM, उसका मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट हियर। ये देखिए सबसे पहले
इट्स वेरी नाइस फॉर अस टू अंडरस्टैंड. हमारे पास होता है ए एम, एक होता है पी एम. पहला पी एम का फुल फॉर्म तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वो तो अलग होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, मैं यहाँ की बात करूँ कि घड़ी में कैसे बताते हैं. ए एम का मतलब यहाँ पर होता है एंटी मेरिडियन. क्या होता है? एंटी मेरिडियन. पी एम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन. अब आप कहेंगे सर ए एम मेरिडियन का मतलब, पोस्ट मेरिडियन का मतलब क्या होता है? आपको बताता हूँ. एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं जी एम टी, जिसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से समय को मापा जाता है इधर उधर करके, राइट. ये ग्रीनविच मीन टाइम आप गूगल पर सर्च करेंगे कहाँ है, या फिर मैप पर सर्च करेंगे कहाँ है, तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा. यहाँ हमारे यहाँ नहीं, लंदन साइट, ठीक है ना. ऐसे तो ग्रीनविच मीन टाइम एक पॉइंट, एक जगह का नाम है जहाँ से समय को मापा जाता है कि भाई इधर इतना रहेगा, इधर इतना रहेगा. तो इसी को रखते हुए तो मीन टाइम यहाँ पर होता है मध्य. क्या हो जाता है? उसी से बनता है यहाँ पर मेरिडियन, समथिंग लाइक दिस. देखो एंटी का मतलब होता है बिफोर. क्या होता है? बिफोर होता है. और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. क्या होता है? आफ्टर होता है. जैसे एक होता है ग्रेजुएट, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट. ग्रेजुएट मीन्स होता है पहले वाला जो भाग करते हैं ग्रेजुएशन का. पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है ग्रेजुएशन का बाद वाला भाग, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं. आइए देखें, जैसे दिन में जो 12 बजता है ना, 12 बजे से पहले वाला क्या कह देंगे आप? एएम. जितना सारा टाइम समय होता है उसको एएम के कैटेगरी में रखते हैं. यानी एएम एंटी मेरिडियन, मेरिडियन मतलब मध्यांतर, मतलब बीच का समय बोलते हैं 12 बजे का. और उसके बाद वाला समय क्या बोलते हैं? पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, यानी पीएम का समय बोलते हैं. दिन में दोपहर 12 बजे के बाद वाला पीएम, 12 बजे से पहले वाला एएम बोलते हैं. एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं. एंड आई होप दैट आपको टाइम एटिकेट का कुछ नॉर्मल सा चीज़ें समझ में आए होंगे. अगर आपने सच में समझा कुछ यहाँ से, प्लीज़ ट्राई टू कीप वॉचिंग वीडियोज जस्ट लाइक दिस एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग एज वेल, शेयरिंग टू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू.